मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 6 विषय संस्कृत, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है संस्कृतम। आज हम लोग इसका तीसरा पाठ हिमालय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हिमालय। अस्माकं देशः भारत अति विशाल अस्ति। हमारा देश भारत बहुत विशाल है। भारत से उत्तरे भागे नगाधिराजा हिमालय अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय है। हिमालय विश्व सर्वोच्च शिखराणि स्थित अस्ति। हिमालय पर विश्व के सबसे ऊंचे शिखर स्थित है। अयम प्रहरी भारत रक्षित भारतम रक्षति, यह प्रहरी की तरह भारत की रक्षा करता है। हिमालय से शाब्दिक अर्थ होती है, हिमालय का शाब्दिक अर्थ होता है हिमस्य आलय यानी बर्फ का घर। अस उत्तुंगानी शिखराणी नभ स्पृशन्ति, इसके ऊंची पर्वत चोटियां आकाश को छूती है। तेषां एवरेस्ट संसार से सर्वोच्च शिखरम अस्ति, उनमें एवरेस्ट संसार के सर्वोच्च ऊंची शिखरों में से है। अस्माकं देशस्य प्रसिद्ध नद्या गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र अस्मात् एव पर्वता निसरति, हमारे देश के प्रसिद्ध नदियां गंगा यमुना सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसी पर्वत से निकलती हैं। अस्मिन् पर्वते विविध मनोहर पक्षिणा च निवसन्ति, इस पर्वत पर विविध तरह के मनोहर सुंदर पक्षी भी रहते हैं। अत्र अनेकानि सघनानि वनानि सन्ति, यहाँ अनेक सघन घने वन है। अस्मिन् पर्वते विविधानां औषधि नाम धातु नाम रत्न नाम जब महान भंडार विद्यते, इस पर्वत पर अनेक औषधि धातु और रत्न के महान भंडार हैं। अत अनेकानि रम्यानि काननानि सन्ति, यहाँ अनेक सुंदर वन भी हैं। जंतु विशेषज्ञ वनस्पति विशेषज्ञ तत्र आगच्छन्ति च बहुविध अनुसंधानं कुर्वन्ति, जंतु विशेषज्ञ और वनस्पति विशेषज्ञ यहाँ आते हैं और अनेक अनुसंधान करते हैं। अस्य पर्वतस्य अनेकानि शिखराणि ही मंडितानि सन्ति, यहाँ इस पर्वत की अनेक चोटियाँ बर्फ से भरपूर हैं। ते न केवलम भारतीयानाम अपितु वैदेशिकानाम च मनांसि आकर्षन्ति, वे न केवल भारतीयों बल्कि विदेशियों के मन को भी आकर्षित करती हैं। प्रत्येक वर्ष बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं और असीम आनंद का अनुभव करते हैं। महाकवि कालिदास कुमार संभवा नाम के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हिमालय से अति मनोहरम वर्णनम अकरो, महाकवि कालिदास ने अपने कुमार संभव नाम के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ में हिमालय का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। तो बच्चों ये थी हिमालय के बारे में वर्णन, लेकिन आपको इसके एक्सरसाइज आपके बुक में दिए गए हैं जो आपको बुक में कंप्लीट करना है, और नोटबुक में भी शब्दार्थ के साथ आपको कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं आपसे अगले पार्ट के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए।